सो एक प्रोग्राम हमको यहाँ पे दिया गया है और हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट पता करना है। ओके, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपके लिए रखी है। पहले हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, देन इसके बेसिस पे आपको इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, जैसे केलसी नाम के फंक्शन को कॉल करने के टाइम 3 और 65 पैरामीटर में है और ओरिजिनल प्रॉब्लम में 4 और 81 पैरामीटर के अंदर है। ओके, तो हम पता करते हैं कि इस प्रॉब्लम का आउटपुट क्या होगा। सो जब क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक मेन फंक्शन है, दूसरा काउंटर नाम का फंक्शन है। ठीक है, हमें पता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन में सबसे पहली जो लाइन है वो केलसी नाम के फंक्शन को कॉल कर रही है विद पैरामीटर 4 और 81। तो इस लाइन के चलते ही कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, केलसी नाम के फंक्शन के पास। ठीक है, करते हैं। तो केलसी नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, लेकिन उसके पहले अगर मैं देखूँ एक ग्लोबल वेरिएबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, उस वेरिएबल का नाम है काउंटर और काउंटर में रखा गया है 0। अब केलसी नाम के फंक्शन में दो वेरिएबल है, ए और बी, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे। मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और एक बी नाम का वेरिएबल यहाँ पे बना दिया। जब हमने केलसी नाम के फंक्शन को कॉल किया तो ए में आ गया 4 और बी में आ गया 81। ओके, मींस ए में कितना आया 4 और बी में आ गया 81। अब नेक्स्ट लाइन क्या कर रही है, केलसी फंक्शन में सी नाम का वेरिएबल बन रहा है, बना देते हैं, सी नाम का वेरिएबल बन गया। अब जो अगली लाइन यहाँ पर है काउंटर प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होता है कि काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर का 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, काउंटर में भी 0 है तो 0 प्लस 1 हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, काउंटर में 1 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन यदि देखे तो इफ कंडीशन है, इफ बी इक्वल टू 3 रिटर्न ए इंटू ए एस, ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियरली कर देता हूं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, इफ बी इक्वल टू 3 तो ये रिटर्न क्या करेगा, ए इंटू ए, ये इसका मतलब है ना। तो सिंपल मैंने वो कर दिया इसको ताकि कोड रीडेबल बने। कई लोग क्या फर्स्ट टाइम गेट एग्जाम देने वाले हैं, पहली बार तैयारी कर रहे होंगे शायद। ओके, तो उनके लिए सिंपल कर देते हैं कोड को। यदि b इक्वल टू 3 होगा तो b की वैल्यू 21, मतलब b तो चलेगा ही नहीं, क्या चलेगा else, जब तक कि जब b की वैल्यू 3 होगी तब if चलेगा, जब तक कि b की वैल्यू 3 नहीं होती तब तक क्या चलेगा else। ठीक है, else में पहली लाइन क्या बोल रही है, c इक्वल टू केलसी, केलसी नाम का फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहा है, कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू पास होगी पहले पैरामीटर में, b बाय 3 पास होगा दूसरे पैरामीटर में, तो a की वैल्यू कितनी है 4, 4 चली गई। अब सेकेंड इसके अंदर देखे तो, लेकिन ये b जो है b डिवाइडेड बाय 3, b में 81 है तो 81 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना हो जाएगा, अरे केलसी का हम यूज कर सकते हैं, एग्जाम में अलाउड है, 81 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से 27। ओके, तो जो सेकंड वैल्यू है वो पास होगी b में 27। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे a की और b की वैल्यू, a में तो 4 ही रहेगा, b में आ जाएगा 27। अगेन केलसी नाम का फंक्शन चलेगा नई वैल्यू के साथ में,
पहली लाइन इंट सी, सी नाम का वेरिएबल, ओके। सेकेंड लाइन काउंटर प्लस प्लस, काउंटर का वन से इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंटर की वैल्यू वन है, इंक्रीमेंट के बाद टू हो जाएगी। इफ बी इक्वल टू थ्री, नो बी तो 27 है, इफ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स में अगेन सी नाम के वेरिएबल में एल सी नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, ए ओ बी बाय थ्री, तो बी को थ्री से थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा, 27 बाय थ्री ये आ जाएगा 9। अब अगेन केलसी नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, ओके। तो केलसी नाम के फंक्शन जब कॉल होगा, ए की वैल्यू 4 लेकिन बी की वैल्यू इस बार हो जाएगी 9, बी में हमने रख दिया 9। दोबारा से केलसी नाम का फंक्शन कॉल हुआ, सी नाम का वेरिएबल, काउंटर प्लस प्लस, काउंटर का वन से इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंटर की वैल्यू 2 है, 2 से हो जाएगी 3। इफ कंडीशन, इफ बी इक्वल टू 3, नो बी की वैल्यू 9 है, इफ तो चलेगा ही नहीं, एल्स चलेगा। एल्स में पहली लाइन सी इक्वल टू केलसी नाम का फंक्शन फिर से कॉल हो गया, बी डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 3। अब यदि हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो जब केलसी नाम का फंक्शन कॉल होगा तो ए के अंदर तो 4 ठीक है लेकिन बी में इस बार आ जाएगा 3। फिर से सी नाम का वेरिएबल, काउंटर प्लस प्लस, काउंटर का इंक्रीमेंट होगा 3 से, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 4। इफ बी इक्वल टू 3, यस बी में 3 है, इफ चलेगा। इफ के अंदर रिटर्न ए इंटू ए इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है 4, डेट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है केलसी का यूज करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो यहाँ पर रिटर्न कितना हो रहा है 64, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि रिटर्न होके जाएगा कहाँ, ये रिटर्न होके जाएगा सी के पास, यानी जो केलसी नाम के फंक्शन को कॉल किया था, ओके, केलसी नाम के फंक्शन को कॉल किया था, तो यहाँ पे आ गया 64, यानी सी में हमें मिल गया 64। अब ये रिटर्न करने वाला है, क्या रिटर्न करेगा, सी इंटू सी इंटू सी, सी में कितना है 64 ही, तो 64 इंटू 64 इंटू 64, अगेन केलसी का यूज करेंगे, 64 इंटू 64, सॉरी 64 इंटू 64, अरे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 64 इंटू 64 इंटू 64, तो ठीक है हमें वैल्यू क्या मिल रही है 262144। लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू हमको मिली है ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ पे जाएगी, केलसी की जगह पे, यहाँ पर कितना आ गया 64, इसी जगह पे जा रही है ना, मीन्स कहीं भी स्टोर नहीं हो रही है, मैं वैल्यू कहाँ पे जा रही है इस फंक्शन कॉल की जगह पे। लेकिन इन सब की वैल्यू से मतलब ही नहीं हमें, हमें मतलब किस चीज़ से कि यहाँ पे प्रिंट क्या होने वाला है। देखिए प्रिंट ओनली काउंटर हो रहा है, तो ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, इससे कोई मीनिंग नहीं। हमें काउंटर की वैल्यू है डेट इज 4, डेट मीन्स यहाँ पे आउटपुट में कितना आने वाला है 4। और नाउ योर टर्न, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमने देखी थी ओके, उस पर आपको वर्क करना है। एंड इस क्वेश्चन में आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।